बच्चे की फोटो है क्या आपके पास? इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्ते लागू। हाँ, मैं अशोक कुमार, उमेश कुमार का पिता। उमेश कुमार 1.5 साल से मेरे पास रह रहा था। दिनांक 27 तारीख को प्रतीक कुमार शर्मा ने घर से बुलाकर उसको साथ ले गया और 27 तारीख को रात्रि 11:30 बजे के बाद उमेश के नहीं आने पर हमने बार बार फ़ोन किए, उमेश वहाँ नहीं पाया गया। 28 तारीख को हमें जब वो प्रतीक शर्मा घर पे आ गया तो प्रतीक ने भी नहीं बताया कि भाई उमेश कुमार की बॉडी भी वहाँ है। प्रतीक ने अपने दोस्तों को बुला के खुद घर पे आ गया और उसके बारे में नहीं बताया। वो उसने एक्सीडेंट का जो झूठा ये षड्यंत्र रचा है। एक स्कूटी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, स्कूटी बिल्कुल सही हालत में और बिल्कुल ताज़ा हालत में 30 तारीख को वहाँ उस स्थान पर पाई गई, जबकि 28 तारीख को मांगलावास के पुलिस के सभी जो स्टाफ थे उन्होंने और हमने परिवार वालों ने वहाँ स्कूटी चारों तरफ ढूंढी, कहीं पर भी स्कूटी का पता नहीं चला। और आज दिनांक सुबह हम वहाँ उसी स्थान पर गए तो कुछ झाड़ियाँ काट के उस स्थान पर जहाँ पर उस बच्चे का मर्डर हुआ वहाँ और झाड़ियाँ और मिट्टी फैलाई गई है। इसलिए स्पष्ट है कि साहब उस बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ है और उस बच्चे का मर्डर हुआ है। तो SP महोदय से हमारा निवेदन है कि उस मर्डर को खुलवाने का श्रम करें। पुलिस ने क्या जांच करी? पुलिस कार्रवाई में जांच चालू है। रामस्वरूप जी SI साहब हैं, वो कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। पुलिस कह रही है एक्सीडेंट है जबकि स्कूटी बिल्कुल साबुत है और स्कूटी की फोटोज मेरे पास है। स्कूटी जब तीसरे दिन मिली तो 2 दिन स्कूटी कहाँ गई और स्कूटी गई या वहाँ एक्सीडेंट का वाक्य हुआ तो 60 फुट से नीचे बॉडी गिरने पर बॉडी 70% हो जानी चाहिए, बॉडी डैमेज। ये डुमाड़ा पुलिया के ऊपर डबल फाटक डुमाड़ा पुलिया थाना मांगलेवास थाना लगता है। उमेश कुमार नाम रहे हैं और 1/2 सियाराम नगर चंद्रवर्धन नगर अजमेर में रहता है सर। रामगंज थाना क्षेत्र। अच्छा, संख्या है कि हमें कि प्रतीक शर्मा जो साथ में लेके गया था उसी ने उस बच्चे का मर्डर करवाया है और वो बिल्कुल ताज़ा है। जब 60 फुट से वो भी गिरा तो उसके भी कहीं फ्रैक्चर होना चाहिए, हाथ पांव में लगनी चाहिए, कहीं चोटें आनी चाहिए, इतना कुछ नहीं है उसके। वो बिल्कुल ताज़ा आराम से घूम रहा फिर रहा है और बिल्कुल ताज़ा हालत में घर पे है। मृतक की उम्र क्या है? मृतक 22 साल की उम्र का है। शादीशुदा नहीं है, कंवारा है, संविदा पर। क्या शंका लग रहा है? हत्या? मेरे को हत्या का पूर्णतः हत्या का शंका है सर। कौन सा समाज की बात? वाल्मीकि समाज से हूँ सर। SP साहब को ज्ञापन देना है सर। आपका नाम? अशोक कुमार डंजा, 1/2 सियाराम नगर, सी ब्लॉक, चंद्रवर्धन, अजमेर।